एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड लाइफस्टाइल में। तो चलिए आज बनाते हैं टेस्टी सा वैगन आलू। तो इसके लिए मैंने आलूओं को लगभग ये तीन आलू हैं और काट के धो के मोटे स्लाइसेस में रख लिया है। साथ ही साथ मैंने लिया है एक पाव बैगन और इसको भी काट के पानी में डिप करके रखना है, नहीं तो काले पड़ जाएंगे। अब इसको बनाने के लिए मैंने चढ़ा दिया है गैस पे एक कढ़ाई और डाल दिया है सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद मैं इस आलू को इसमें डाल दी हूँ और डालने के बाद मैं इसको अच्छे से इसी में लो टू मीडियम गैस पे इसको भूनना शुरू करती हूँ। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी है, आप इसको दाल चावल या रोटी पराठों के साथ बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। थोड़ी ये चटपटी सब्जी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए आलूओं को इसी तरीके से मैं इसमें अच्छे से फ्राई होने देते हैं। तो 1.5 से 2 मिनट इसी में बढ़िया सा मैंने ऑयल में फ्राई किया है, क्योंकि जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो कलर अच्छा आएगा और इसमें क्रंच बहुत बढ़िया आएगा। तो जब सब्जी खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं आलूओं को फैला के इसमें लाल कर ली हूँ। लाल देखिए अच्छे से हो गया है, कलर बढ़िया आ गया है, क्रंच भी आ गया है। और अब इसी में मैं डाल देती हूँ जो मैंने बैगन को डिप करके रखा था पानी में, वो भी इसी के साथ डाल देते हैं ये सारा बैगन और आलू। तो बैगन गाइस आप जब भी रखिए काट के, तो तुरंत उसको पानी में डिप करके रखिए, नहीं तो बहुत जल्दी वो काले हो जाते हैं, तो वो ना देखने में अच्छे लगते हैं ना तो खाने में। तो चलिए आलू बैगन को भी मैंने डाल दिया है और इसको भी डाल के मैं बढ़िया सा कलर आने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। थोड़े से बैगन भी अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट लो मीडियम गैस पे मैं इसको बढ़िया सा फ्राई कर ली हूँ। चलिए ये अच्छे से रेडी हो गया, इसको निकाल के रख लेते हैं साइड में। और इसी कढ़ाई में अब मैं फिर से डाल दूँगी सरसों का तेल। तो सरसों का तेल डाल देंगे लगभग इसमें 2 चम्मच और इसको फिर से अच्छे से गर्म करना है। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे सबसे पहले 1 छोटा चम्मच मेथी दाना और साथ ही साथ 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। और डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी जो है तेजपत्ता 1-2 और डाल देंगे सूखी हुई लाल मिर्च, वो भी तोड़ के इस तरह से। और इसको थोड़ा सा मैं 30 सेकेंड इसी ऑयल में अच्छे से भून लेती हूँ। साथ ही साथ चलिए इसमें डाल देते हैं हींग 1 छोटा चम्मच। ये देखिए हींग डाल दिया है, चला लेते हैं, बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। अब इस टाइम पे मैं डाल देती हूँ इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, लगभग 2 बड़े चम्मच है। इसमें लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा पड़ती है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बिल्कुल फाइन चॉप करके ही डालना है इस तरह से। इसको बढ़िया सा मुझे गोल्डन कलर आने तक इसको भूनना है ताकि लहसुन में अच्छा सा क्रंच आ जाए। देख सकते हैं कितना बढ़िया सा लहसुन खुशबूदार ये रेडी हो गया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कलर कितना बढ़िया आ गया है, ये देखिए। बस इतने ही मुझे भूनना है, लहसुन बिल्कुल भी कच्चा इसमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप इसको अच्छे से फ्राई कर लें। अब ले लेते हैं बिल्कुल फाइन चॉप प्याज, लगभग 1 बड़ा प्याज है, और इसको भी डाल के मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। तो इस तरह से जब भूनेंगे तो बढ़िया सा प्याज गोल्डन फ्राई हो जाएगा। बहुत तेज आंच में नहीं भूनना है, लो मीडियम गैस पे ही भूनेंगे। प्याज अच्छे से लाल हो चुका है, गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और देख सकते हैं ये बढ़िया सा आ गया है। अब डाल देते हैं 2 हरी मिर्च को ऐसे मैंने पतले स्प्लिट करके डाला है। बढ़िया सा मसाला मेरा रेडी हो रहा है। चलिए अब डाल देते हैं इसमें कुछ ड्राई मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही साथ डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर डाला है लगभग मैंने इसमें 2 चम्मच और इन सारी चीज़ों को इसी ऑयल में थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो देखिए मसाले रेडी हो चुके हैं। अब मैं ले लेती हूँ टमाटर, इसको 1 बाउल लिया है या 2 बड़े टमाटर हैं और इसको भी मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करके डाला है इसमें। देखिए बढ़िया सा, आप चाहें तो आप गैस को इस समय थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। टमाटरों को भी डाल के थोड़ा सा मुझे और कुक करना है। ये देखिए बढ़िया सा ऑयल सेपरेट हो रहा है इस तरह से। और इस टाइम पे अब इसमें मैं ले लेती हूँ लगभग
एक छोटी कटोरी पानी का और इसमें डाल देते हैं, और साथ ही साथ डाल देंगे एक चम्मच नमक और डाल देंगे, इसको थोड़ा सा चाहे तो आप पहले भून लें नमक मिला के, ताकि इस अच्छी सी इसमें नमक भी भिन जाए। जब नमक भिन जाएगा अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। तो पानी डालेंगे बिल्कुल थोड़ा ही डालना है, एक छोटी कटोरी, और गैस को बिल्कुल स्लो रखें। डाल देते हैं पानी। पानी डालने के बाद इसको मुझे फिर से थोड़ा सा भूनना है मसालों को। अब गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और लगा देंगे इसमें कवर, ताकि मसाले थोड़े से अच्छे से कुक हो जाएं। और एक से डेढ़ मिनट मैं इसे में बिल्कुल छोड़ दूंगी मसालों को। एक से दो मिनट हो गए हैं, मैं खोल के चेक कर लेती हूँ। देखिए मसाले कितने बढ़िया से कलरफुल हो गए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। बहुत ज़्यादा मुझे इसको सुखाना नहीं है, इस तरह से गीला ही रखना है। और अब इस टाइम पे डाल दूंगी मैं जो बैगन आलू फ्राई करके रखी थी, वो सारा इसमें डाल देते हैं। तो देखिए सारा मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से चला लेते हैं। और अब मुझे इसको थोड़ा पकाना है। बिल्कुल ये अच्छे से रेडी हो रहा है। चलिए लगा देते हैं कवर और 2 से 3 मिनट धीमी आंच में इसी में छोड़ देंगे। बीच में एक दो बार चला भी लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद मैं खोल के चेक कर लेती हूँ। तो देखिए आलू बैंगन अच्छे से कुक हो चुके हैं। चलिए डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और ये इसी में थोड़ा सा छोड़ देते हैं ताकि मसाला भिन जाए। ये गर्मा गर्म मेरी आलू बैंगन की सब्जी बिल्कुल रेडी है। आप इसको रोटी पराठे के साथ इंजॉय करें। गाइज़ आपको रेसिपी पसंद आई हो तो थैंक यू।